वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज आपां जाणांगे पिंड बहलोलपुर दा इतिहासिक महत्व। ये हौली मकबरे हौली चल। 15वीं सदी दे आ, 15वीं 16वीं सदी दे आ, जदों बहलोल खां लोधी लोधी वंश का राज सी, उस टाइम दे मकबरे आ। देखो अज भी हूब हूब पए आ। चलो देखते अज फिर इन्हां नूं। ये पुरातत्व विभाग के अंडर आ, एक्ट 1964 के अनुसार जे कोई ये ना छेड़खानी करेगा ना इन्हां नाल जां बदलेगा नुकसान पहुँचाएगा, चलो तो उन्हें 5000 रुपये का जुर्माना ते 3 महीने की सज़ा। हौली 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 देखो ये चीज़ आ, कोई मतलब छेड़खानी नहीं कर सकता। जे कोई कहे रेनोवेशन करनी है पंचायत या कुछ भी, मतलब कोई भी छेड़खानी नहीं हो सकती। पुरातत्व मतलब हूबहू सही भी गल आ। जे वो प्राचीन आ जा इतिहासिक चीज़ा आ, वो इमारत इदा दी इदा ही रहने चाहिए आ। क्या कारीगरी है ये। सुरंग आ जी, ये सुरंग कहिंदे 15वीं सदी की आ। ये इत्थों एक 1.5-2 किलोमीटर ते एक होर मकबरा सेम इसी तरह कहिंदे उहदे वे उहदे कोल निकलदी आ जाके। जिवें ना पुराने जमाने च खुफिया रस्ते होंदे सी, ये उस टाइम दे खुफिया रस्ते रखे हुए सी इन्हां ने। चलो आपां बाहर तो दिखाईए तुहानूं। ये देखो क्या कारीगरी आ वो टाइम दी। सरहंद दी इट्टां च बनिया होया। चलो आज बाहर चलिए। और इन आ जा, और इन आ जा। जय बाबे दी है ना, जय बाबे दी। हौली 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 आप दूजा मकबरा दिखाइए। आ जा, जय बाबे दी। वो काटो मरी पे बेचारी। इधर हो जी, इधर हो जी, इधर हो जी। वो देखो बहुत दिखाइए जे देख जी। वो देखो दूजा मकबरा अगर तुम्हें दिखता है दूर तो, ये जी अंदर सुरंग दिखाई थी ये तकरीबन वो कोल निकलती है खुफिया रास्ता। कितना शांतमई माहौल आ, ये देखो बड़ी शांति मिलती है। एक तुम्हें होर चीज़ दिखाने आ जा बिजाड़ी।
ये देखो नाल जमीन किन्नी डूंगी आ। ये कहा जाता है उदो जो सतलुज दरिया है ना जो तकरीबन हम 14-15 किलोमीटर दूर है, और तो ये नाल होकर लंघता सी। तो ये देख सकते हो देखो किन्ना नीमा और तो। हम देखो सतलुज दरिया कित्थे चल गया। आओ पिंड इधर परले पासे इतने देखने वाली चीज़ ये आ कि यह 14वीं 15वीं दे सदी के मकबरे आ, अज भी उदा ही आ। ठीक है जी, अगर इन कोई छेड़खानी करता है तो उन्होंने 4000 रुपया जुर्माना ते 3 महीने की सज़ा या दोवें। जेड़ा गौरमेंट इंडिया गौरमेंट का एक्ट आ 1964 के एक्ट अनुसार। ठीक है देखो उदा तो उदा ही आ। हुण आपां गल करदे आ सिख इतिहास की। इस पिंड का सिख इतिहास जो श्री गुरु गोबिंद साहब जी चमकौर की जंग तो बाद जंड साहब तो होंदे हुए इस नगर च आए, इस अस्थान पर जिथे अजकल गुरद्वारा श्री कलगीधर शोभित है, पूरन मसंद जिन्हों नगीना खत्री भी कहा जाता है, यह गुरु जी नाल घोड़े का व्यापार करता हुंदा सी। अक्सर यह गुरु जी नूं कहिंदा सी दर्शन देने लई। जदों गुरु जी चमकौर साहब तो होंदे हुए रात नूं इत्थे आए तो इहदा कुंडा खड़काया। उस समय दी जालम सरकार तो डरदे हुए नगीने खत्री ने कुंडा नहीं खोलिया अते गुरु जी नू जान लई कहा। गुरु जी ने इहदे नौकर जूने जिन्हें गुरु जी की बहुत सेवा कीती सी उहनू दर्शन दे के निहाल कीता अते इत्थों चाले श्री झाड़ साहब नू पा दिते। कहा यह भी जाता है कि जिहड़ी गुरु गोबिंद सिंह जी ने टिंड दा सरहाणा श्री मछवड़ साहब जंगलां च लाया सी वह टिंड भी जीउणे नहीं दित्ती सी, क्योंकि ठंड दा टाइम सी, पोह दा महीना सी। जीउणे ने वह टिंड विच अग पा के गुरु साहब जी नूं दित्ती सी तां जो उहनां नूं ठंड ना लग सके। गुरु गोबिंद साहब जी ने वह जदों मछवड़े दे जंगलां विच पहुंचे मछवड़ा साहब तां उही टिंड दा सरहाणा लगाया। इत्थे गल ये पैदा हुंदी आ कि आपां पुरातन जिहड़े लोधी वंश दे मकबरे उह तां संभाल के रखे आ ते जिहड़े सिख इतिहास है सिख इतिहासिक स्थान है उहनां दी सांभ संभाल कौन करूगा। जिहड़े कार सेवा दे नां ते उहनां नूं ढा ढेरी कीता जांदा है उह रोकिया जावे। IGBC नूं ते अकाल तख्त साहिब दे जथेदार साहिब नूं चाहीदा है कि उह अजिहे जिहड़ी ढा ढुआई हो रही है साढ़े इतिहासिक स्थानों की उन्हें रोकया जाए। साढ़े चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो। वीडियो देखने लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।